आबाद कभी भी इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करता। चेयरमैन आबाद फयाज इस्लाम ने कंस्ट्रक्शन से मुतालिक अदालती फैसलों को मायूसकुन करार दिया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फयाज इलियास ने कहा कि लीज आबादियां और मसाजिद गिराई जा रही हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए नाइंसाफी है। आबाद नस्ला टावर के हवाले से कोई बुरा काम नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि अपने फैसले पर नज़रसानी करें, हम लीगल तरीके से काम करते हैं, आबाद किसी गैर कानूनी काम को तहफ़ुज़ नहीं देगी। जहां लीगल बिल्डिंग्स बन रही हैं वहां ऐसे फैसले नहीं आने चाहिए। आबाद नस्ला टावर के मुतासरीन के साथ खड़ी है। निशानदही करते रहे हैं, ये इदारों का काम है, हर इदारे का काम है, जहाँ पे इनकी विजिलेंस कमेटी बनी हुई है जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो उसको रुकवाया जाए। आबाद अपने तौर पे भी हमारी अपनी सब कमेटीज बनी हुई है कि जो कि आपकी डेंजरस बिल्डिंग है या इलीगल बिल्डिंग है वो पॉइंट आउट करते हैं। देखें, जैसे पहले बताया कि आबाद की मेंबरशिप लेने के लिए जो काम करने वाला है, जो बिल्डर्स पूरे पाकिस्तान में काम करने वाले हैं, उनको लीगली उनको हर फॉर्मेलिटीज पूरी करने की जरूरत होती है, उसके बाद जाके उसकी मेंबरशिप मिलती है। तो आबाद पहले दिन से इलीगल कंस्ट्रक्शन, ख्वाह इसमें बहरिया ही क्यों शामिल ना हो या चाहे हमारा मेंबर भी अगर कहीं खुदा ना खासा शामिल है तो हम उसके भी अगेंस्ट में, हम ये नहीं कहते कि हम अपने मेंबर को सिर्फ सपोर्ट करेंगे, नहीं, उसकी गलतियां हैं हम उसको भी सपोर्ट नहीं करेंगे। आबाद के पैटर्न इन चीफ मोहसिन शेखानी ने कहा कि हम अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं, मगर कुछ दिनों से आबाद के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं, और नस्ला टावर के मसले के हल के लिए कमेटी बनाई जा रही है जो इस पर काम करेगी। कराची में जो भी चीजें, कोई भी इलीगल कोई भी बात करता है, हमें उसके अगेंस्ट जाना चाहिए। वो कोई भी इदारा हो, हमें हर इदारे को बोलना चाहिए और जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ऑलरेडी हम पोजीशन दिला रहे, एक दो एक्शन कमेटियां बनी है, उनके साथ हम खुद बैठे हुए हैं, जो स्कीम 45 के साथ उनकी जमीन है वहां पे उनका था, तो लोगों के साथ बैठ के अभी पोजीशन दिलाया है। जब भी आबाद में आप दोगे, आबाद के मेंबर की अगर वो चीजें नहीं करते तो हम मेंबरशिप नहीं रखते उसकी और ना उसको काम करने देंगे। हम आपके साथ खड़े होंगे, कहीं भी है, किसी की भी है, हमारे पास तकरीबन पूरा सेल बना हुआ है। महीने में कोई 40 से 50 एप्लीकेशन आती है जिसको हम रिजॉल्व करते हैं और मैक्सिमम कोशिश करते हैं जिनकी भी फॉल्ट है उनको उस तरीके से हल करें।